asalaamu alaikum everyone welcome to vocab you learn english with easy lessons uh, today's lesson is quite interesting because in this lesson i'm going to teach you some uh, english vocabulary words related to broken objects uh, suppose uh, you drop a glass of water and there are small pieces of glass uh, scattered on the floor what would you call those uh, pieces of glass urdu um, inko kirchiyan but there's a specific word in english um, take another example for example you had a dinner or breakfast and uh, there are small pieces of food scattered on the table after your dinner or breakfast. Uh, what is the specific word for those uh, small pieces of food? So, in this lesson, I'm going to teach you uh, such vocabulary that is going to be helpful in your spoken English in your daily life. So, let's begin. फॉर एग्जाम आर फर्स्ट वर्ड इज़ शार्ट्स जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी ग्लास uh, की कि जब फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ से ग्लास टूट गया है या कोई मिरर नीचे टूट गया है तो उसके जो स्मॉल पीसीस जो फ्लोर के ऊपर आपको uh, ग, मतलब बिखरे हुए होते हैं उन स्मॉल पीसीज को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो उनको हम इंग्लिश में शार्ट्स बोलते हैं ठीक है किरचियाँ जिसको हम उर्दू में बोलते हैं इंग्लिश में उनको शार्ट्स बोला जाता है ठीक है जो कि जो कोई भी शीशे की बनी हुई चीज़ हो और वो चीज़ अगर टूट जाए और उसके जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जो है वो जो फर्श पे गिर जाते हैं तो उनको शार्ट्स कहा जाता है ठीक है अब इसका सेंटेंस है शार्ट ऑफ ब्रोकन मिरर वर एवरीवेयर ऑन द फ्लोर के जो टूटा हुआ जो शीशा था उसके जो शार्ट्स थे मतलब कि उसकी जो किर्चियाँ थी वो सारी हर तरफ जो है ना वो फ्लोर के ऊपर फर्श के ऊपर जो है वो गिरे हुए थे ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी थे थेटर का क्या मतलब होता है थोन पीसेस ऑफ क्लोथ्स देखिए टैटर्स हम कहते हैं कि जब कोई कपड़ा बहुत पुराना हो जाए फटा फटापराना हो जाए और उसकी वजह से वो फट जाए वो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए जैसे फटा हुआ कपड़ा एक होता है ना उसको इंग्लिश में टैटर्स कहा जाता है जैसे है, कि सेंटेंस है द पुअर बैगर वॉज इन टैटर्स के जो बेचारा गरीब भिकारी था फकीर था वो टैटर्स में था चीथड़ों में जिसको हम बोलते वोट

काट कर या उसको फार कर टेयर करके या उसकी कटिंग करके उसको छोटे पीसेस में किया जाए शार्ट्स तो ये है ना कि कोई कोई जो है वो शीशे की कोई चीज़ है वो गिरी है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और थैटर्स है क्योंकि को, कोई भी क्लोथ है कोई भी कपड़ा है वो इतना पुराना हो गया है इतना खस्ता हालत में हो गया है कि वो बस अब चीथड़ों पे है ठीक है तो उसको टैटर्स बोलेंगे श्रेड है कि जिसको के खुद काट कर, और उसको जो है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए अब ये खुद काट कर अक्सर कपड़ा भी हो सकता है कोई पेपर भी हो सकता है फूड भी हो सकता है आप देखें ना कि श्रेड किया जाता है फूड को जैसे कैबेज वगैरह को ठीक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीसीज में उसको श्रेड किया जाता है ठीक है उसको ग्रेट भी कह सकते हैं कि ग्रेट किया जाता है उसको श्रेड भी बोला जाता है ठीक है लेकिन जैसे कपड़ों में अभी जैसे हमने टैटर्स पढ़ा वो तो खस्ता हालत की वजह से वो कपड़ा छोटे टुकड़ों में हो गया है लेकिन जो आप देखिएगा अक्सर जो आ, आ, ऐसे फैशंस में कपड़े आते हैं कि जिनके पास काट कर उनको छोटे छोटे जो ना वो उनके पीसेस किए हुए होते हैं वो ड्रेसेस के ऊपर होते हैं ठीक है तो जो खुद से काटे जाएँ और उनके छोटे छोटे पीसेस किए जाएँ तो उनको श्रेड्स बोला जाएगा जब खुद से काटा गया हो वो कपड़ा खस्ा हालत की वजह से नहीं है लेकिन ये ज़्यादातर श्रेड वर्ड जो है ना वो पेपर के लिए यूज़ होता है कागज के लिए यूज होता है जब कागज़ को कटिंग की जाती है उसको श्रेड किया जाता है आप देखिए ना वो मशीन्स में डालकर अक्सर जो जो पेपर्स आपको नहीं चाहिए होते हैं ऑफिस वगैरह में वो मशीन होती है तो वो उन पेपर्स को श्रेड कर देती है उसको छोटे छोटे पीसीज़ में काट देती है ठीक है अच्छा सेंटेंस uh, है एशी द लेटर इन टू श्रेड वॉन्टिंग टू अरेज एनी एविडेंस ठीक है वो जो लेटर था ना उसने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ दिया ठीक है उस लेटर को वो हर किस्म का जो एविडेंस था ना उसको अरेज कर देना चाहती थी उसको मिटा देना चाहती थी अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्लेक्स अब फ्लेक्स किस कहा जाता है फ्लेक्स कहा जाता है कि जो स्मॉल पीसीज ऑफ पेंट होता है ना आप देखिएगा कि जो कोई भी किसी घर में जो पेंट है वो बहुत पुराना हो जाए तो आप देखिएगा कि वो एक फ्लेक्स की शक्ल में वो मतलब कि छोटे छोटे पीसीस की शक्ल में जो वो है वो दीवार से ना वो पेंट उतरना शुरू हो जाता है तो वो पेंट के जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं उनको फ्लेक्स कहा जाता है इसी तरह से स्नो के फ्लेक्स भी होते हैं स्नो फ्लेक्स आपने सुना होगा भी गूगल भी कीजिएगा आपको नजर आएंगे स्नो के भी छोटे छोटे टुकड़े जब होते हैं ना चूंकि हमारे मुल्क में तो इतना स्नोफॉल नहीं होती है जिन ममालिक में होती है तो वहां पर ये बनते हैं ठीक है इसी तरह से स्किन जब है सर्दियों में जब स्किन जो है वो वो उतरना शुरू हो जाता

तो फटके टुकड़ो टुक, टुक, टुकड़ों में हुआ हुआ था ठीक है तो कर्टन वर इन थेटर्स और जो फ्लेक्स जो थे पेंट के जो फ्लेक्स थे वो दीवारों से नीचे उतर रहे थे ठीक है तो क्योंकि पेंट भी बहुत पुराना हुआ हुआ था ठीक है जी अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास अब है जी लंप लंप कहा जाता है कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस है कोई भी मास है कोई भी मटेरियल है उसको जब वो एक इकट्ठा हो जाए और वो एक छोटे छोटे टुकड़ों की शेप इख्तियार कर जाए तो उसको लंप कहते हैं इसकी एग्जांपल जैसे कि आप समझ लें के अक्सर जो है वो जब किसी को मिक्स किया जाता है जैसे कोई हम लोग जब बटर जो जो लड़कियां कुकिंग वगैरह करती हैं बेकिंग वगैरह करती हैं तो जब वो जो मैदा जो होता है वो उसको अंडो में जो उस बैटर में जब वो कर रही होती हैं तो वो उसकी छोटी छोटी गुठलियाँ जिसको आप कहते हैं ना उर्दू में कि वो गुठलियाँ ना बन जाए जिनके लम्ब ना बन जाए ठीक है तो उनको जो है ना लम्ब कहा जाता है जो गुठली बन जाना होता है अच्छा अक्सर देखिएगा खुदा न खासा किसी की स्किन के ऊपर भी अगर गुठलियाँ बन रही तो उनको भी लम्स कहा जाता है ठीक है इसी तरह से जैसे दूध के अंदर जब उसको मतलब के फाड़ा जाता है या उस जब दूध अगर आपने फ्रीज किया हो तो उसमें भी अगर जो है ना वो छोटे छोटे अगर आपको गुठलियां तो मतलब किसी भी मटीरियल की अगर छोटी छोटी सी गुठलियां सी बन जाए ना तो उनको लम्प कहा जाता है ठीक है प्लोरल इसका लम्पस होगा जैसे कि द चिल्ड्रन वर प्लेइंग प्लेंग विद्प ऑफ क्ले मट्टी की जो गुठलियां जैसे मट्टी के जो ढेले दे, आप कह लें उनको गुठलियां कह लें जो कि वो छोटे छोटे टुकड़ों

जो थन की साइज का होता है एक, एक कांटे साइज का होता है उसको स्प्लिंटर कहा जाता है जैसे कि इसका है, मतलब मतलब के फिंगर के अंदर जो है ना वो लॉज मतलब कर गया मतलब कि उसके अंदर वो घुस गया ठीक है तो उसकी वजह से उस क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी किया हो अक्सर हम जो है वो हो जाता है छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का जो होता है उनको कहा जाता है, uh, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं तो अक्सर टेबल के ऊपर छोटे छोटे पीसेज बच्चों को भी देख लीजिए अगर अक्सर वो भी खाते हैं तो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो टेबल के ऊपर या आप दस्तरखान खुान भी बैठकर अगर खा रहे हैं तो वहां पर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स फूड के जो गिर जाते हैं वो उनको हम क्रम्स कहेंगे ठीक है जैसे कि सेंटेंस शी ब्रश्ड सेंटर्स द क्रम्स फ्रॉम द टेबल क्लॉथ आफ्टर ब्रेकफास्ट कि उसने जो टेबल क्लॉथ था ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो उसके ऊपर जितने भी क्रम्स थे उनको मतलब तो ब्रश अवे किया उनको साफ किया ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जी शैम्बल्स शैम्बल्स का मतलब होता है इन पीसेस ठीक है ये वर्ड मैंने इसलिए शामिल किया है कि जब अगर खुदा नखवासा खुदा न ला ना करेगी कि किसी को ये कहना पड़े लेकिन अगर किसी इंसान को ये कहना पड़े कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो तो बस अब टुकड़ों में है आ, मतलब मैं टूट गया हूँ या मेरी लाइफ टुकड़ों में है तो वो कह सकता है कि माई लाइफ इज़ इन शैम्पल्स और यहाँ कहा जा सकता है कि मेरा जो करियर है वो बस टूट गया है ठीक है तो माई करियर इज इन शैम्बल्स अच्छा याद रखिएगा शैम्बल्स जो है ना ये सिंगुलर uh, वर्ड है ये इस वर्ड इस मतलब ये वर्ड शैम्बल वर्ड नहीं है एक्चुअल में वर्ड ही शैम्बल्स है ठीक है ये समझ लीजिए कि इसमें एस इसमें लगता है ये वर्ड कंप्लीट ही ऐस के साथ होता है ये सिंगुलर ही है ठीक है तो माय माय लाइफ इज़ इन शैम्बल्स या माय करियर इज़ इन शैम्पल्स मतलब किसी भी चीज़ को आपने कहना हो कि बस वो बहुत ही ख़स्ता हालत में बुरी हालत में है टुकड़ों में है टूट गई है मैं टूट गया हूँ इस तरह का खुदा ना नख्वास्ता अल्लाह ना करे किसी को ये कहना पड़े और कहीं जी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो लेसन हमारा ख़त्म होता है आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगी ये वोकैबुलरी मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में ना ऐसी हाफिज़